एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये खूबसूरत सा डेकोरेशन बॉल। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसे हम बर्थडे डेकोरेशन में, हल्दी मेहंदी कोई भी डेकोरेशन में हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा लुक देता है। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं कैसे बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए एक सीट। यहाँ पर मैं सिल्वर सीट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई प्रिंटेड सीट यूज़ कर सकते हैं या फिर गोल्डन सीट भी यूज़ कर सकते हैं। सीट की थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, आप देख सकते हो इतने मोटे होनी चाहिए सीट, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए सीजर कट करने के लिए, पेंसिल, फेविकॉल इसे चिपकाने के लिए एक दूसरे के साथ हमें यूज आएंगे। इसके अलावा हमें रिबन चाहिए। आपके पास रिबन नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़े मात्रा में ही हमें चाहिए ये। और मैं ये नीचे यूज़ करूँगी, ये लटकन है तो मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ नीचे की तरफ डिज़ाइन के लिए। चलिए हम इसमें सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हमें टोटल 21 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने 3 सेंटीमीटर डायमीटर से हमने सर्कल ड्रॉ किया है। जल्दी से इसे सीजर की हेल्प से कट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे पूरे सर्कल कट कर लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे 21 सर्कल हमने कट कर लिए हैं। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो हमें इस तरीके से फोल्ड करना है, यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा बीच में एक ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। इस तरीके से हमें करना है, अच्छे से कर लीजिएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें पूरे को करना है, तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सभी को फोल्ड कर लिया इस तरीके से। अब चलिए इसे हम जल्दी से शेप देते हैं। फेविकॉल की हेल्प से हम इसे शेप देंगे। सर्किल शेप में हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइव ट्राइंगल्स लेंगे। मैं बताती हूँ किस तरीके से हमें उसे सेट करना है। इस तरीके से लेंगे जिसमें हमें हर एक को ज्वाइन करते जाना है एक दूसरे से फेविकॉल के हेल्प से। इस तरीके से लेंगे तो सारे सर्किल खुद ही बनते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसे हम फेविकॉल की मदद से चिपका देते हैं। ये जो साइड हमने एक दूसरे से चिपक रहे हैं, हम उस साइड फेविकॉल लगा के फिर चिपकाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जल्दी से हम इसे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैंने फेविकॉल को स्प्रेड कर दिया है वन साइड। अब हम इसे चिपका देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्कल के फॉर्म में पूरा रेडी हो चुका है। मैंने सबको एक दूसरे के साथ चिपका दिया, बस वन साइडेड मैंने ओपन रखा है। वहाँ पर हम ऊपर की तरफ होल्ड करने के लिए रिबन में लगा रही हूँ। तो रिबन इस तरीके से हमें अंदर डालना है और फिर हम इसे भी जो साइड खुला है हम उसे भी चिपका देंगे। तो यहाँ पे मैं रिबन में थोड़ा सा फेविकॉल लगा के फिर उसे अंदर की तरफ चिपका रही हूँ। एक्चुअली रिबन बार बार निकल रहा था तो मैंने नीचे की तरफ एक नॉट बांध दिया था ताकि वो स्टेबल रहे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडी हो चुका है बन के ऊपर का भाग। अब नीचे का भाग बनाएंगे। तो नीचे का भी हमें सेम जैसे हम ऊपर का बनाए वैसे ही हमें बनाना है सर्कल शेप में। तो हम जल्दी से इसे भी बना लेते एक दूसरे के साथ। इसी सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले चिपकाया था वैसे ही हम इसे चिपका लेंगे। यहाँ पे मैंने चिपका लिया। अब नीचे की तरफ मुझे लटकन यूज़ करना है तो सेम मैं इसमें भी लटकन में पहले नॉट बांध दी हूँ ताकि वो स्टेबल रह सके। और यहाँ पे जितने लेंथ में आपको चाहिए जितना नीचे उस तरीके से एडजस्ट करके और लटकन भी हम चिपका देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नीचे का पार्ट भी रेडी है। ये इस तरीके से लगेगा, जब ऊपर से टंगेगा तो ये नीचे से इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे मैंने नॉट भी बांध दिया था, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और इस तरीके से मैंने बीच में फंसा भी दिया ताकि ये निकले नहीं। और ये देख सकते हैं ये नीचे से इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पे हमारा ये ऊपर का और ये नीचे का दोनों पार्ट हमारा बन चुका है। अब हम बीच का पार्ट बनाएंगे इसे ज्वाइन करने के लिए। तो ये बाकी बचे हुए जो हमारे हैं 10 पीस, हम उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे। हमें पहले क्या करना है,
जैसे इस तरीके से देखिए, एक का ये वाला जो पार्ट है वो उधर रहेगा तो दूसरे का इधर रहना चाहिए इस टाइप से। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं ना सबको एक ही साइड से कर रही थी, जैसे ये है तो इसी तरीके से ज्वाइन कर रही थी तो वो सर्किल बन रहा था। तो ये चीज़ मत कीजिएगा, इसे इस स्टेप को अच्छे से देखिए। यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे, एक इधर है तो दूसरा इधर साइड पर इधर करेंगे, ऐसे करके करना है। तो हम इसे पूरा ऐसे ही लाइन में कर देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे ही, तो हमारे इधर साइड जो आएंगे वो 5 होने चाहिए, 1 2 3, हमें 2 और लगाने हैं इधर, और इधर भी हमारे 5 आने चाहिए ऐसे वाले, ये जो है। ठीक है, तो हम इसे जल्दी से चिपका लेते हैं। फिर ये इस तरीके से हमने एक एक करके बना लिए हैं, तो ये खुद ही बनाते जाएंगे जैसे जैसे, वैसे वैसे ये सर्कल में बनते जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा कुछ इस टाइप से ये सर्कल बनेगा, जिसमें ये 5 ऊपर की तरफ और 5 नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा। ये आप देख सकते हैं एक एक करके ऐसे हमने बनाया है। तो अब हम इसे, ये लास्ट में यहाँ पे है, हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे, ये पूरा सर्कल फॉर्म में इस तरीके से बन जाएगा। तो चलिए जल्दी से चिपका, मैंने इस पर फेविकॉल लगा दिया है, अब हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इस टाइप से हमारा बन गया है। अब हम इसके ऊपर एक साइड में हम इसे ऐसे रख के, एक तरफ हम ये नीचे का ये रखेंगे और दूसरी तरफ से हम इसे ऊपर वाला ये है इसको नीचे की तरफ से चिपका देंगे। तो जल्दी से हम इसे चिपका लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने ऊपर वाला ये चिपका लिया इस तरीके से। अब हम नीचे का भी चिपका, हम जल्दी से इसका नीचे वाला भी चिपका कर रेडी कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा डेकोरेटिव बॉल रेडी हो चुका है। मैं तो इसे डेकोरेटिव बॉल बोलती, आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।